का कड़वा सच है, ये कब किस रूप में सामने आ जाएगी ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वाक्य फिरोजाबाद में देखने को मिला, जब नसीरपुर थाना क्षेत्र में नानी मऊ चौराहे पर ट्रक चालक ने फोन पर बात करने के लिए ट्रक रोका, लेकिन नेटवर्क कम होने की वजह से बात नहीं हो पाई, तो ड्राइवर ट्रक की छत पर जा पहुंचा। बात करते समय ही वहीं से गुजर रही हाई टेंशन बिजली के तारों का करंट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल ट्रक ड्राइवर के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसागंज से आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जयवीर सिंह, क्या घटना हुई है, ये आपके भाई कैसे मौत हो गई? भाई मैंने राजा खेड़ा की गाड़ी दे दी थी और मैं रात में चला के लाया था, मैंने अब तू चला दिन में, तो ये चला के लाया है, मेरे को पता नहीं, मैं सो गया था। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ है, ये तो पता गाड़ी जहाँ बिछती है वहाँ खड़ी कर ली, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, ये ऊपर बात कर रहा क्या पता करंट कहाँ से लगा। नहीं, किस जगह कहाँ बेचने गए थे? ये सिरसागंज चौराहे, नारून चौराहे। सिरसागंज के थाना क्षेत्र में गए? यहाँ सिरसागंज में क्या मामला है? जी कुछ नहीं, इस बच्चे का नाम सूरज सन और पप्पू सिंह है और ये शेरपुर मुरैना का रहने वाला है। बताया गया था कि हाई वोल्टेज लाइन होती है 11,000 वाली, उससे इसका मोबाइल या हाथ जो भी टच हुआ है उसके बाद वही ऑन स्पॉट खत्म हो गया है। हमारे यहाँ तो मृत अवस्था में लाए, हमने पुलिस को सूचना दे दी है।